हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरे सारे फ्रेंड्स, सभी लोग कैसे हो? अच्छे हो ना? मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली स्वस्थ रहे और हमेशा खुश रहे, बस यही मेरी अभिलाषा है। आपको आज के पार्ट का जरूर इंतजार रहा होगा ना, क्योंकि इससे पहले जो हमारी मदरहुड जर्नी चल रही है, आपने पहला पार्ट जरूर देखा होगा और मेरे बहुत से व्यूअर्स आगे के पार्ट को जानने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक होंगे ना। तो मैंने आपको बताया कि हमारी शादी हुई, शादी के बाद जब मैं गुप्ता जी के पास आई तो हम माना में रहे। माना में हमारे पास कुछ भी नहीं था, धीरे धीरे हमने बोनस मिलता था, मिलता है अभी भी दशहरे में बोनस मिलता है, उसमें तब हमको 5,000 बोनस मिलता था 2001 में जब हमारी शादी हुई गुप्ता जी को, तो हमने 5,000 बोनस दे करके टीवी लिया था। उसके बाद इंस्टॉलमेंट पूरी की थी 2,500 करके, यानी 5,000 में दे करके लिया टीवी, एलजी का टीवी लिया था 10 या 11 हजार का था, डब्बे वाला चकोर। तो फिर बाकी के पैसे हमने इंस्टॉलमेंट में भरे और फिर वो पूरा हुआ। इसी तरीके से हमने फ्रीज ली थी, तो हम पहली बार चाची के पास आगरा गए थे, मधु चाची के पास। शादी के बाद रिश्तों में बुलाते हैं ना लोग, तो चाची के पास आगरा गए थे, तो आगरा घूमे भी थे और उन्होंने हमें कैश जो दिया था 5,000 कुछ, तो 5,000 दे करके हमने फ्रीज ली थी, वो भी हमारा एलजी का था। और उसके बाद हमने इंस्टॉलमेंट में फ्रीज का पैसा पूरा किया था। गैस तो लेके ही आई थी, मेरी बुआ जी ने दिया था। तो हो गई बेसिक चीजें, फ्रीज, टीवी और फ्रीज। और कूलर लिया था 5,000 का, डेजर कूलर था, बड़ा सा कूलर, खूब तेज आवाज करने वाले जो होते नहीं हो लेकिन ठंडाते हैं, तो वो 5,000 का था। 5,000 कुछ का वो 5,000 कैश बोनस वाला था, वो इंस्टॉलमेंट में नहीं था। और एक बेड बनवाया था अमरावती से, जो पूजा वाले कमरे में रखा हुआ है बेड, वो बेड बनवाया था। और गद्दा भी लिए थे, तो 52 या 54 सौ का बेड था उस जमाने में 2001 में, बॉक्स वाला बेड बनवाया था, प्लस गद्दे भी लिए थे और बेडशीट और पिलो भी खरीदी थी अमरावती से। तो वो पूरा करीब 7,000 का बजट आया था, तो वो किया गया था किसी तरीके से। सोचो वो दिन थे। ऐसे करते करते इन 3 सालों में जब शुभी के आने का समय आया, तो मेरे पास था टीवी, फ्रिज, बेड, कूलर, ये 4 चीजें, क्योंकि ये 4 चीजें थी नहीं हमारे पास। जो मुझे शादी में डबल बेड दिया गया था, डबल डोर वाली अलमारी दी गई थी, सोफा दिया गया था दहेज में, वो ससुराल में ही रखा हुआ था। ससुराल हमारी यूपी अतर्रा में थी और पति की ड्यूटी माना और मुर्तजापुर के इर्द गिर्द घूम रही थी, महाराष्ट्र में अकोला डिस्ट्रिक्ट में। इतने दूर के सफर में 4 ट्रेन में हम ये सामान ला नहीं सकते थे, तो हम ला ही नहीं थे। तो ये चीजें, 4 चीजें बनाने के लिए, बेड, टीवी, फ्रिज, कूलर और फिर हर महीने का खाना खर्चा और किराया खर्चा करते करते जो सैलरी थी हमारी, उसी पे से गुजारा हमने। 2001 की शादी थी, 2004 में शुभी को लाने का डिसीजन लिया गया। तो जब शुभी के आने के टाइम पर मैं जब मायके चली गई और जब मैं वापस आई शुभी को लेकर के, 2004 में शुभी हुई जनवरी में, और शुभी के होने के जनवरी के बाद मैं शुभी को 6 महीने का मतलब संभाल करके, जो संभलने लायक हो गई थी शुभी तब जब मैं आई थी, तो मुझे फोन पर ही बता दी था गुप्ता जी ने, उन्होंने बाइक ली है। क्योंकि जब 1 साल बीवी मायके में थी तो गुप्ता जी की जो सैलरी थी उसमें उनका अपना खाना खर्चा, किराया और उसके बाद जो उनकी सेविंग्स हुई उसमें उन्होंने बाइक ली थी फ्रीडम। यानी कि बच्चे के आने पर जैसे हर माँ बाप सोचते हैं हमारे पास वो 4 जरूरत की चीजें रहे, तो हमारे पास वो थी। इसीलिए मुझे हर चीज, हर अपनी पुरानी चीजों से बहुत मोह और बहुत लगाव है। फ्रीज हमने अभी जब हमने पाचोरा से हम भुसावल शिफ्ट हुए तो हम दे के आए हैं। मेरी एक फ्रेंड थी कीर्ति, उनकी घर में काम करती थी, उनको दिया हमने और फ्रिज को। और टीवी हमारा सही था, लेकिन ये जब बच्चों को था कि बड़ा टीवी चाहिए, तो फिर वो टीवी हमने ससुराल में रख दिया। मतलब वहां पे भी टीवी है ससुराल में, लेकिन ये था कि किसी काम का नहीं है वो, कोई लेने को भी तो तैयार नहीं होते आजकल डब्बे वाले टीवी, तो ऐसे एक दूसरे कमरे में लगा दिया हमने। तो वो 4 चीजें और जो बाइक 10 महीने में मायके में रही तब गुप्ता जी ने बाइक ली, तो बड़ी खुशी की बात थी कि चलो बच्चे के आने पे अब अगर डॉक्टर के पास ले जाना बच्चे को तो पैदल नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि जो शुभी की प्रेगनेंसी टेस्ट कराने गई थी ना मैं पहली बार डॉक्टर के पास, तो पैदल गए थे। और जब शुभी को लेके मैं वापस आई थी तब बाइक थी, तो मैंने सोचा शुक्र है, थैंक गॉड, कुछ तो राहत मिली। पर यहाँ पे भी कहानी अभी पहले बाकी है।
जब शुभी हुई तो मैं मायके में हुई, मैंने बताया शुभी मेरी, मेरे दोनों बच्चे नॉर्मल डिलीवरी में हैं, डिलीवरी हुए हैं नॉर्मल, लेकिन तो समझ रहे हो ना वो नॉर्मल भी एबनॉर्मल कंडीशन से कम नहीं होती। उससे भी ज्यादा त्रासदी मेरी मानसिक स्थिति ये खराब थी कि जब मैं मायके में थी, डिलीवरी मेरी मायके में होनी थी और ससुराल में कोई करने को आगे बढ़ के मतलब हेल्प करने को तैयार नहीं था, जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं था। मेरे ससुर जी 3 साल के लिए बाहर मतलब विदेश नहीं चले गए थे, इंडिया में ही थे, दूसरे शहर चले गए थे, वो अपने घर पे नहीं थे। तो मेरी सास और दादी सास खुद होकर के आगे दो लेडीज उन्होंने मतलब बुलाया नहीं, कहा नहीं, और यही कहा कि मतलब हमारे यहाँ कोई करने वाला नहीं है तो तुम कौन करेगा यहाँ मायके में, तो तुम्हारी देखभाल अच्छे से हो सकती है। तो मायके में रही, तो जब बच्चा हो गया यानी शुभी हो गई तो उनको खबर दी गई, तो जब मेरी सास आई तो बच्चे के होने के बाद तो 4 रस्में की जाती हैं, कोई खुशियां मनाई जाती हैं। मैं अकेली बहू हूँ अपने ससुराल की, इकलौती इकलौता लड़का, कैसे लोग बड़े उससे हर चीज में तुम ही तो हो करने वाले, तुम ही तो हो। तो जब तुम ही को, तो जो बहू थी उसका जो पहला बच्चा हुआ तो हुआ, तो फिर जैसे मेरी सास आई और दादी साहब भी आई मिलने, देखने देखा और जाने लगी, तो हमने अम्मा से खुद होके कहा कि मतलब आप हमें तो लेके चलिए ना, शुभी के सब वो करना होगा ना प्रोग्राम जो भी बच्चे का करना होगा। तो बोली कि हमारे यहाँ लड़की में तो कुछ किया नहीं जाता है और ठीक है, यहीं यहाँ पे तुम्हारी देखभाल ज्यादा अच्छे से हो सकती है, वहां पर हम और दादी हैं, क्योंकि जब शुभी हो गई तब भी नहीं थी ना मेरे ससुर जी। तो फिर मेरी सास को ऐसा लगा कि मतलब भाई बच्चा भी हुआ है तो 4 खर्चे होते हैं, लाना करना पड़ता है, देखभाल के लिए भी जरूरत पड़ती है, तो हमारे यहाँ कौन करेगा, यहाँ तो तुम्हारी इतनी देखभाल हो रही है। आई वो ससुराल में मायके में, मेरा मायके में तब भी ज्वाइंट फैमिली का मतलब जो हमारा माहौल है, मेरी चाची मौसी सब एक साथ एक दूसरे सब कर रहे हैं, तो वो मुझे अपने साथ नहीं ले गई। अब मैं बच्चा हुआ सोवर में लेटी हूँ तो मैं ऐसे उठ के दौड़ भाग के उनके साथ थोड़ा चली जाऊंगी, जब तक वो खुद ना इस बात को अग्री करें। उनकी बातों से ही लगा जब वो खुद ही अकेले जा रही है, तो मतलब मुझे और शुभी को नहीं ले गई, वो मेरे लिए दुख शुरू हो गया अंदर से। मतलब कि एक तो डिलीवरी के समय थी, तब तो हो गया बच्चा, अब क्या खतरा, अब तो सिर्फ वही खाने पीने के खर्चे होते हैं बहू और बच्चे के, लेकिन वो भी जिम्मेदारी को उठाने को तैयार नहीं। तो फिर चुपचाप बैठी रही मायके में ही रही, रोती गाते कैसे करके दिन बीते, कुछ करने को तैयार नहीं। मतलब मेरी शुभी को गोद में लेके तेल लगाया भी नहीं मेरी मतलब मेरी शुभी की दादी ने, क्योंकि मेरे मायके में आई है मतलब ऐसे मिलने के तरीके से, अपने घर ले आते तो लोग करते सेवा थोड़ी बहुत नातियों की, वो भी नहीं जाना, मम्मी ने ही नहलाया धुलाया, मम्मी ने तेल मालिश करी, उन्होंने सिखाया, मेरी चाची बड़ी चाची शोभा चाची, मेरी दादी उस समय हमारी अम्मा जिंदा थी, अम्मा ने कितनी सेवा करी। शुभी उल्टी करती थी, मेरा फीड नहीं लेती थी तो ऊपर का दूध पी के उल्टी करती थी, उसको लूज मोशन बहुत होते थे, बहुत वीक थी। एक तो मेरी मानसिक स्थिति बिल्कुल सही नहीं थी मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पर, बिल्कुल भी नहीं थी, पागल थी मैं एक तरीके से, तो जो है अंदरूनी टाइप का मतलब अंदर से जो मुझे लोनलीनेस था ना कि मतलब कोई नहीं है कोई नहीं ऐसी वाली चीज। हालांकि मायके में सब है, लेकिन जो हम लोग शुरू से देखते आए ना कि ससुराल होती है कोई चीज और मतलब ससुराल वाले कुछ केयर करते हैं, ऐसा फैमिली वाली चीज नहीं थी, तो वो चीज मुझे बहुत अंदर से फील होती थी कि होते हुए भी नहीं है, कोई ना हो तो अलग चीज है। जैसे अभी मेरे ससुर जी नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है, 1.5 साल हो गए, तो नहीं महसूस होता। जो नहीं है उसके बारे में इंसान नहीं सोचता, हमें कोई परेशानी की तो हमें नहीं लगेगा ना, लेकिन जब वो है उस टाइम पर अगर आप नहीं है तो हमें फील होगा ना। अब उनकी लड़के की तो भैया नौकरी है, तो रेलवे में थे, छुट्टियां जल्दी मिलती नहीं थी, जो छोटे लोग होते हैं उनको गला दबा के दबाया जाता है, वो वाली चीज थी। तो शुभी को हाँ मैं लेकर के आई मुर्तजापुर, तो गुप्ता जी के पास फ्रीडम बाइक थी, बड़ी खुश थी मैं, चलो कम से कम अब जब बच्चे को इंजेक्शन लगवाने जाऊंगी तो मैं बाइक में जा सकती हूँ। जब खुद के इंजेक्शन लगवाने गई थी तो पैदल गई थी, मतलब ऑटो मिले है, मतलब अपने घर से जैसे ऑटो जहाँ मिलना होता है तो वैसे मिलते हैं ना, जैसे मुर्तजापुर में रह रहे हैं सपोज, तो हम अपने घर से बाहर निकलेंगे तब ऑटो मिलेगा, तब ऑटो में बैठ के जाएंगे, ऐसा तो था, लेकिन 10 कदम तो पैदल चलना ही पड़ा ना। ये चीज शुभी को लेकर के जब आई मैं मुर्तजापुर तो कहानी में ट्विस्ट आ गया। हम एक किराए के मकान में रह रहे थे, किराए के मकान में जहां रह रहे थे वहां की बोरिंग में पानी खत्म हो गया, सूखा 2004 में अकोला डिस्ट्रिक्ट में सूखा एक तरीके से कह सकते हो, हर 10 घर के बाद मतलब एक घर में कोई पानी मिलता था, बोरिंग का पानी, जमीन वाला पानी, तो उस घर में सिर्फ बोरिंग ही थी, नगर पालिका का नल नहीं लगा था तो पानी नहीं, सन्नाटा ऐसा। मतलब जब हमने सुना तो आ गए, हाँ शुभी को लेके आए तो अम्मा आई थी मेरे साथ, मेरी दादी मेरी मदद के लिए कि मीनू अकेली है, और लाला जी मतलब उनको लाला जी कहते हैं गुप्ता जी को,
तो लाला जी सवेरे ड्यूटी के लिए जाएंगे तो डब्बा बनाना पड़ता है मीनू को सवेरे उठ करके, और ये शुभी मेरे उठते ही उठ जाती थी बिस्तर से, तो मतलब बच्चे को कौन पकड़ेगा और डब्बा कौन बनाएगा। तो अगर मीनू शुभी को संभालेगी तो हम डब्बा बना देंगे। कितनी बार मेरी अम्मा ने गुप्ता जी का टिफिन बनाया जब शुभी को मैं संभाल रही थी, या फिर कभी शुभी सो रही है सिर्फ झूले में हिलाना तो अम्मा हिला देती थी और मैं टिफिन बना देती थी। मतलब अम्मा मेरे साथ आई थी, मेरी अम्मा मेरी दादी मेरे साथ आई थी शुभी के तौर में। शुभी की दादी और शुभी के पापा की दादी दोनों के रहते पर भी, क्योंकि जब ससुर जी नहीं थे तो अम्मा अकेली थी, तो अब हमारी सास घर में है तो दादी को छोड़ के सास कैसे आए। उन्होंने ये एक्सक्यूज दिया मेरी सास ने कि अब हम तुम्हारे पास चले आएंगे तो दादी अकेली रह जाएंगी, बाबू तो यहाँ है नहीं। और जब दादी को कहा कि आप चले तो दादी ने कहा कि तो सास अकेली रह जाए, वो ओखा मैं छोड़ के कैसे आऊं। मतलब मेरी दादी सास ने बोला कि मैं तुम्हारी सास को अकेले छोड़ के घर से कैसे चली जाऊं, मेरा लड़का नहीं है। तो कुल मिला के फंसा कौन, मीनू। तो मेरी दादी आई, भगवान सबको पार लगाते हैं किसी न किसी तरीके से, तो मेरी अम्मा हमारे साथ आई। और जब पानी नहीं था, बाप रे मैंने कितने दिनों टैंकर से पानी भरा है, क्योंकि मेरी अम्मा थी तो अम्मा शुभी को झूला झुलाती थी, और जो घर के पास में टैंकर आता था गिनती की बाल्टियों के नंबर लगते थे। कभी देखा ना वो पवित्र रिश्ता में जब सीरियल में दिखाते हैं कि टैंकर या नल के नीचे पानी के लिए औरतें लड़ रही हैं, नल लगे हैं, बाल्टी गिनती गिनती के पानी मिल रहा है। वो मेरी लाइफ में रियल में हुआ, रियल में हुआ। मैंने वो भी फेस किया दिन कि मैंने मतलब 2-3 घंटे लाइन लग करके गिनती के 6-7 बाल्टी नंबर आता था तो वो बाल्टी ली पानी। बाल्टी के चक्कर में बाल्टी में कम पानी आता था तो मैंने टंकियां लगा देती थी, स्टील की टंकियां ना मेरी ढक्कन वाली जिसमें मैं पापड़ चिप्स भर के रखे हूँ, तो उन टंकियों को नंबर लगा देती थी। तो अगर 6 बाल्टी मिली तो 6 टंकी मिल जाए तो फिर पानी थोड़ा ज्यादा आएगा, टंकी तो भर गई सड़क में तो उसको उठा के घर तक कैसे लाऊं, तो फिर बाल्टी बाल्टी पलट करके घर लाती थी। और जो हमारा एक नीला ड्रम था ढक्कन वाला उसमें पलटती थी बाल्टी से पानी, तो अम्मा आधा ड्रम पानी भर गया। सोचो मैंने अपने हाथों से पानी भरा है। और जब डिलीवरी हुई थी बहुत तकलीफ में दिन बीते मेरे बहुत ज्यादा, और वहां से आए पता चला शुभी को दूध पिला के लिटाया ही है। लो शुभी को मतलब जैसे अम्मा संभाल नहीं रही, अम्मा हमारी बच्चों को संभाल नहीं पाती थी, वो कहती थी हमसे घर से काम करा लो, मतलब कर देंगे हम हेल्प, बच्चे को तुम संभालो। जो हम शुभी को मेहनत करके उसको यूं यूं सुलाए, वो ऊपर का दूध पीती थी, वो सोती ही नहीं थी, पलक झपकते ही आंख खोल लेती थी, उल्टी कर देती थी। अभी हम मतलब गीले गाउन खड़े हैं, पानी भर के आए हैं, कपड़े गीले हैं, शुभी को हमने डकार दिलाई, शुभी ने पूरी पलटी मारी। हम नहा के आए और हमने सोचा अरे इसको दूध पिला के और इसको सुला दे तैयार कर दें, लोग हमारे पूरा कपड़ा गंदा कर दिया, क्योंकि उल्टी जब शुभी करती थी तो पूरा दूध पलटी करती थी। उसके भी कपड़े सनते थे पूरे और मेरे भी कपड़े सनते थे। अब कपड़ों में पानी चाहिए, सोचो हम लोग बर्तन धुलने के बाद पानी बचा के रखते थे, मैं और अम्मा तसले में बर्तन धो धो के पानी जमा कर लेते थे, फिर उस पानी को हम लोग सोचते थे कि शुभी की उल्टी जो पहली बार साफ करना होगा वो इस्तेमाल कर लेंगे, फिर हम लोग बाद में साफ पानी से कपड़े धुल लेंगे। ये हालत थी, नहाने में आधी बाल्टी पानी लेके सोचते थे कि इतने में जितने से हो सके हो जाए, उसके बाद जो बच जाए। कपड़े धुलने का जो लास्ट वाला पानी होता था वो रखते थे कि वॉशरूम में काम आएगा, शुभी के कितने सारे कपड़े निकलते हैं। तो ये हुआ कि इसका क्या रास्ता है, मकान बदलो। तो जिस घर में पानी आ रहा हो चुन करके, भले किराया ज्यादा हो वहां पानी वो कमरा लेंगे। तो फिर दूसरा एक ढूंढा गुप्ता जी ने, हजारे करके सरनेम था, बाजार में घर था, वो किराए का मकान लिया गया। तो वहां पर बोरिंग का पानी भी आता था और नगर पालिका का नल भी लगा था, यानी नगर पालिका का अगर 8 दिन में पानी आएगा तो गुप्ता जी ने बताया कि पानी तो आता है मीनू, स्टोर करके रखना पड़ेगा, 2-3 ड्रम ले लेंगे तो उसी में स्टोर कर लेंगे, नीले ढक्कन वाले ड्रम आते हैं, और बाकी जो है जो बोरिंग उनके यहाँ जितना पानी आएगा तो वो मिलेगा पानी। ठीक है, मकान बदला गया, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ 10 साल में 9 शिफ्टिंग है ये हमारी मकान की। मुझे मकान बदलना इसके नाम से बुखार आने लगता है, और सारी शिफ्टिंग मैंने खुद से करी है, बच्चों के रहते पर भी बहुत मुश्किल है। शुभी की दिक्कत क्या थी, शुभी ऊपर का दूध पीती थी तो उल्टी और लूज मोशन होते थे। शुभी के टाइम की सबसे खतरनाक त्रासदी दो चीजें याद है मुझे, एक तो मुझे घर में जाके रहना पड़ा, मुझे ससुराल वाले लेकर नहीं गए, और दूसरा ये कि मेरी मदद के लिए ना मेरे पास आए ना मुझे मेरी केयर करने के लिए अपने पास बुलाया, और तीसरा पानी नहीं था जिस घर में, तो जो मैंने टैंकर से पानी भरा रो रो के, बहुत किल्लत थी। और शुभी सोती नहीं थी तो मैं भी नहीं सो पाती थी, सोने को नहीं मिलता था, मतलब ऐसा लगता था कितने महीने पहले कभी मैं सोई हूँ, ऐसा लगता था सो नहीं पाती थी। और तीसरा रह रह के अंदर से वो लगता था क्रोध कि मेरी दादी
उनका टिफिन बना रही है, मतलब लाला जी का कर रही है, जबकि उनके खुद के घर में दो दो लोग हैं तो भी कोई नहीं। तो ये ना कहीं लड़की होने के नाते ये फीलिंग मेरे मन में बैठती थी कि मतलब मेरी केयर मेरी दादी कर रही है, मुझे अंदर से खराब लगता था। तो ये सब चीजें थी तो इस फेज से गुजरते गुजरते शुभी संभल गई थी। 3 साल की शुभी हो गई थी, फिर मम्मी ने पीछे से फिर शुरू किया, मीनू देखो विजय संतोष की शादी हो जाएगी, हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, फिर हम तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे और तुमको तो पता है हमें ही करना पड़ेगा तुम्हारा, तो तुम दूसरे बच्चे का प्लान कर लो। शुभम जो आए हैं वो मम्मी के कहने की वजह से आए हैं। मैंने पूरी दिमाग को अपने इस्तेमाल किया, पूरी सोची समझी साजिश के साथ शुभम आए हैं। साजिश ये कि 3 साल की शुभी हो गई है, मीनू तुम दूसरा बच्चा कर लो, जो होना होगा होगा, लड़का हो चाहे लड़की, और हम तुम्हारा, मम्मी ने कहा था हम बाद में नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी बहुएं आ जाएंगी, हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, तो हम तुम्हारी गारंटी नहीं ले पाएंगे। मतलब गारंटी का मतलब ये साल साल भर जो हम रह पा रहे हैं मायके में या कर पा रही है मम्मी, भाई मम्मी को कहाँ रहना पड़े कहाँ करना पड़े, मम्मी अपनी जिम्मेदारी संभाल लेंगी। बस मम्मी ने इतना बोला, फिर उसके बाद हमने सोचा चलो प्लान किया जाए। शुभम प्लानिंग के साथ आए और शुभम के आने की बारी। जब शुभम के समय में प्रेगनेंसी में थोड़ा सा मुझे समझ आ ही गई थी पहली प्रेगनेंसी से, तो फिर शुभी को जब ऊपर का दूध खत्म मतलब के साथ साथ फिर उसको रोटी अनाज, शुभी इसीलिए नमक रोटी भी खा के पेट भर लेती है क्योंकि शुभी को दूध जैसे ही खत्म हुआ मतलब बंद रुकता है बच्चों का, जो हमने उसको दाल रोटी दाल चावल सब्जी रोटी की आदत लगाई कि फिर तब से शुभी रोटी ही खाना जानती है। भूख मतलब शुभी की नॉलेज में रोटी है, आज भी भूख लगी मम्मी भूख लगी है तो कैसरोल में रखी हुई सुबह की रोटी भी वो शाम को बच्ची बड़े शौक से खाती है। क्यों? क्योंकि उसको मैंने वही सिखाया है, कभी उसके लिए मैंने अलग से दाल, जैसे बहुत से लोग चोचले करते हैं बच्चों के लिए अलग से दाल अलग से सब्जी अलग से ये वो, चोचला क्या मतलब प्रेम से खुशी से, मैंने आज तक नहीं किया। हम 2 प्राणी थे फिर हम 3 प्राणी हो गए, जो चौके में बना है वही हम तीनों ने खाया है, वही हम दोनों ने खाया है। अलग से ना मैंने कभी खुद के लिए कुछ अलग से बनाया है ना कभी मैंने शुभी के लिए बनाया है। तो शुभी ने दाल रोटी सब्जी रोटी जो खाना सीख गई थी वो खाने लग गई थी। शुभम की प्रेगनेंसी में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी मतलब ऐसा कुछ उल्टी वाला, और 6 महीने ऐसे बीत ही गए थे। फिर ये हुआ कि डिलीवरी के लिए तो मंदिर जाना पड़ेगा, तो 6-7 महीने के बाद फिर वो ट्रैवलिंग के लिए मना करते हैं ना, तो इसलिए ये हुआ कि तुम आखिरी में मीनू बांदा आ जाना। गए बांदा, इस बार उम्मीद थी कि इस बार मुझे कहा जाएगा ससुराल में कि मतलब यहाँ आ जाएं, तो कोई तैयार नहीं था। तब तक भी मेरे ससुर नहीं आए थे, यानी कि शुभी पैदा भी हो गई तो उसके बाबा जी ने उसको शक्ल भी नहीं देखी थी उसकी क्योंकि वो आए ही नहीं थे, तो वो शायद वहां गए थे, क्या नाम है, दिव्यापुर कौन सा था वो, बैकुंठपुर नाम का कोई शहर था, वहां रह रहे थे वो, और वो आए ही नहीं थे 2 साल से। मतलब शुभी हो गई, उनको खबर भी है कि शुभी हो गई है, लेकिन वो आए नहीं। अब आए नहीं तो फिर शुभी से मिले नहीं, शुभी को देखा ही नहीं। शुभम की होने की बारी आ गई, यानी बहू के दूसरा बच्चा भी होने वाला है। फिर मायके में रही, सोचा कि होते होते आखिरी में शायद ले जाएंगे। तो फिर आखिरी समय मम्मी ने पूछा उनसे कि मतलब ये डॉक्टर ने डेट दी, आपको क्या करना है, मतलब पहले चाहे तो पहले ही ले जाए, तो बोलने कि नहीं हो जाने दीजिए यहीं, कि यहाँ सब सुविधा है, हमारे यहाँ इतनी सुविधा से नहीं हो पाएगा, कौन अस्पताल जाएगा आएगा, तो ये हो जाएगा फिर हम बाद में अपने साथ ले जाएंगे। तो दूसरी बार में जब वो आई, जब शुभम हो गया तो फोन किया गया, और फिर मेरी सास आई, और चूंकि लड़का हुआ था बरहो करना था, हमारे यहाँ लड़कों में बड़े उड़ाव किए जाते हैं, जश्न किया जाता है, बरहो होगा तो ससुराल से सब सामान जाता है, मतलब मायके से, मेरे मायके से बच्चे की नानी के घर से, तो पूरे घर भर के कपड़े मिठाइयाँ और वो सिठौरा लड्डू और सोना चांदी, लड़के की जंजीर और मेरे लिए बच्चे के सारे वो जितने भगवान जी के बर्तन रखे हैं ना चांदी वाले, वो सब शुभम के बर्तन है, प्लेट कटोरी गिलास चम्मच, और मेरे लिए चेन आई थी और शुभम के लिए आई थी, और ससुराल में सबको कपड़े आए थे, चाची सास और सास और दादी सास सबके लिए, घर वर को नंदों को। तो फिर शुभम हुआ, मायके में ही हुआ, बांदा में ही हुआ, उसी तरीके से आई जैसे शुभी में आई थी मेरी सास, लेकिन शुभम के टाइम पर खुशी खुशी गाड़ी भी की गई, मतलब कि वैन, और फिर मुझे बिठाल के शुभम को लेकर के अपने घर गई, और वहां पर वो कार्यक्रम किया गया जो लड़कों का किया जाता है। तब मेरे ससुर जी भी बैकुंठपुर से आए और शुभी को उन्होंने 3 साल बाद पहली बार आंखों से देखा। सोचो मेरा दुख तो छोड़ो, और
वो जब शुभम को ले गई तो शुभी तो 3 साल में अच्छी खासी चलना फिरने लगी थी, बोलने लगी थी, अपना नमक रोटी दाल रोटी सब्जी रोटी पेट भरने लगी थी। लेकिन थोड़ा थोड़ा सा जैसे अब मैं शुभम को संभाले हूँ, वहाँ कोई उसकी केयर करने वाला नहीं, तो ऐसे नानी के घर में रह ली, थोड़े दिन आई मेरे पास रही, ऐसे करके शुभम का मेरे ससुराल में कार्यक्रम भी किया गया, जो मेरे फूआ पूजा जाता है वो भी हुआ, जो सोवर में रह करके जो प्रोग्राम किए जाते हैं वो भी किए गए, और उसके बाद शुभम थोड़ा संभल गया, 3 महीने का हुआ, ये बांदा में आ गई थी मैं, सब ये रस्में हो गई, मैं उसी में खुश थी कि चलो मतलब वो जो 4 काम किए जाते हैं वो तो उन्होंने किया समाज की ओर से, जो समाज की नजरों में होते हैं, भले वो सब यहीं से आया गया हो, चाहे वही खाया हो मैंने जो मम्मी ने डब्बे में बना के सिठौरा और कतरी भेजा हो, वही खाया हो मैंने, उसी घर में खाया हो तर्रा में, लेकिन खाया तो मैंने यहाँ ना, मैं रही तो यहाँ, मुझे इसी बात की भी खुशी थी। तो वो सब करते हुए शुभम को फिर बाद में घर आई बांदा, और फिर जैसे थोड़ा संभल गया था तो फिर मैं वापस आ गई। शुभम को जब लेकर के आई तब तक हमें रेलवे क्वार्टर मिल गया था, बहुत बड़ा बंगला मिला था, बहुत बड़ा बंगला, मुर्तजापुर में एक रेलवे हॉस्पिटल है उसके सामने सबसे बड़ा बंगला है, F4 क्वार्टर, 4 कमरे हवेली, जैसे अंग्रेजों के जमाने की हवेली, वो मैं और शुभी शुभम और अनगिनत साहब, मतलब बड़ा बंगला, जितना रेलवे में बड़ा बंगला होगा, जहाँ चारों तरफ कोई क्वार्टर नहीं है, तो वहाँ सांप तो ऐसे सुबह के समय में, दोपहर के समय में, जहाँ झाड़ियों में सरसराहट लगे, ऐसे जंगले में झांक के देखो तो मुझे दिखाई दे जाते थे, दूर से दिख जाते थे, या बहुत तेज पक्षी चिल्लाते थे ची ची ची, तो मैं समझ जाती थी, खिड़की के सामने खड़ी होकर आंख ऐसे गड़ाती थी कि बिल्कुल पकड़ में आना चाहिए, दिख जाता था दूर से। सोचो अब और समस्या, मतलब पहले तो पानी की किल्लत थी, बत्ती की किल्लत थी, तो उससे भी धुआंधार। शुभम के समय में भी जब मैं आई ना, तो अम्मा को बोला था मेरी दादी जब, जो शुभी के समय में आई थी, लेकिन इस बार अच्छी बात ये हुई कि मेरे ससुर आ चुके थे बैकुंठपुर से, तो फिर मेरी दादी सास आई। क्लियर हुआ ना, शुभी के समय में सिर्फ सास और दादी सास थी, ससुर नहीं थे, इसीलिए वो दोनों में से कोई भी नहीं आई थी, लेकिन जब शुभम हुआ, मेरे ससुर जी बैकुंठपुर से वापस आ गए थे, तो फिर मेरी सास अकेले नहीं थी घर पे, मेरे ससुर जी थे, इसलिए मेरी दादी सास, मेरी सास तब भी नहीं आई थी, दादी सास ने कहा कि मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, तो मेरी दादी सास मेरे साथ आई थी, शुभम और शुभी, मैं, गुप्ता जी और दादी सास, तब हम लोग आए थे शुभम को लेके यहाँ। तो शुभम में प्रॉब्लम नहीं थी, शुभम मेरा फीड लेता था, दूसरा बच्चा जैसे मैंने, बच्चों में कोई दिक्कत ही नहीं होती मुझे, ऐसा शुभम ने कभी परेशान नहीं किया, शुभम मेरा फीड करता था, खूब सोता था, शुभम जब बच्चा सोएगा तो माँ भी सोएगी, मुझे भी नींद मिलती थी, सुबह उठ के टिफिन बनाना हो शुभम अपना सोता रहता था, शुभम की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना कोई लूज मोशन शुभम को कभी, क्योंकि ये भी एक चीज मैंने सीखी, जो बच्चा माँ का दूध पीता है वो बच्चा बहुत स्वस्थ होता है और अच्छे से नींद लेता है। शुभी हमारी फीड नहीं करती थी, अंदर से कमजोर थी, इसी वजह से थोड़ी ज्यादा दिक्कत हुई। दूसरे बच्चा पहले वाले को इतना एक्सपीरियंस आ जाता है, हम लोग को नहलाना धुलाना तेल लगाना सब आता था, जो मेरी दादी सास थी उनके रहने से मुझे सबसे बड़ा सुख क्या था, शुभम को वो गोद में ले लेती थी, मैं कितना भी काम कर लूं, मुझे दादी से एक गिलास की उम्मीद कभी रहती नहीं थी, ना जरूरत पड़ी भगवान की दया से कि दादी एक चम्मच भी धुल लें, बस वो शुभम को गोद में ले लेती थी, वो शुभम को संभाल लेती थी और मैं अपना पूरा काम कर लेती थी। बस दादी के साथ ये था कि नहा धो के सब काम करना है, तो सुबह से छींक छींक के शुभम मेरा दूध पीता था, तो वो उसको भी सर्दी हो जाती थी, और मैं सुबह से अगर सो के उठ के नहा लूं तो मुझे जुकाम हो जाता था, बस यही एक इशू था। क्योंकि दादी इतनी पूजा पाठ करती थी, भोग लगाती थी ठाकुर जी को, तो नहा के ही पूरा हर चीज बनाना पड़ता था रसोई में, बस इतना ही था। बाकी दादी के रहने से मुझे बहुत आराम रहा, दादी ने शुभम को संभाला और मैंने घर संभाल लिया, एक सहारा था, और वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी, बहुत बड़ी चीज। शुभी की कोई इश्यूज नहीं थे, शुभी खाना बना दे दिया, खा लिया। तब तक रेलवे क्वार्टर में पानी आता था सरकारी क्वार्टरों में, रेलवे के क्वार्टर में पानी की कोई दिक्कत नहीं, हमें पानी किल्लत क्यों सहनी पड़ी, क्योंकि हमको वहाँ मुर्तजापुर में पोस्टिंग नहीं थी, तो गुप्ता जी को क्वार्टर नहीं मिल रहा था, और प्राइवेट क्वार्टर लिया तो वहाँ पर बोरिंग का पानी नहीं था, जहाँ बोरिंग और नगर पालिका दोनों सप्लाई थी वहाँ पर आराम था। तो फिर रेलवे क्वार्टर में बत्ती पानी का कोई दिक्कत नहीं, दादी हैं, शुभम के बाद लाइफ क्या कहना चाहिए, बेहतर से बेहतरीन होने लगी, सुख अनुभव होने लगा कि जीवन में कुछ सुख भी है, शांति तो है, एटलीस्ट सुख ना भी हो शांति थी, वो फ्रिज टीवी कूलर अलमारी पलंग वो हमारा सुख था और सामर्थ्य था, और क्या कहना चाहिए, शांति मतलब कि नींद मिल रही है और धीरे धीरे लाइफ सेटल होने लगी। अब इसके बाद
इसके बाद की कहानी चलो अगले वीडियो में बताती हूँ, ठीक है? थैंक यू।